In this problem, we are given that an object is floating in two liquids. 1/5 of the volume is in the liquid of density 13.5 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, and remaining 4/5 volume is in water of density 10 to the power 3 kg per meter cube. हमसे density of object पूछा गया. सबसे पहले तो अगर ये float कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे mg will be balanced by buoyant force. अब buoyant force के अपने आप में दो component है, buoyant force of liquid and buoyant force of water. तो अगर मैं इसके volume को v मान लूँ, तो mass कितना होगा? Density rho निकालना है मेरे को. मैंने volume मान लिया v into g. ये हो गया mg. Density into volume mass multiplied by g is equal to buoyant force of liquid. Liquid के अंदर कितना volume है? 1/5. तो इसका वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस करेगा? 1/5 वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा. इसलिए बॉयंट फोर्स ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, मतलब v बाय 5 इनटू g, प्लस बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर कितना होगा? बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर होगा डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, दैट इज 4/5. रिमेनिंग मतलब 4/5 हो गया, 4v बाय 5 इनटू जी. तो सबसे पहले वीजी चला गया. दिस इंप्लाइज डेंसिटी इज इक्वल टू रो लिक्विड बाय 5 प्लस 4 रो वाटर बाय 5, व्हिच इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 5 ले लेते हैं, एलसीएम. रो लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? 13.5 प्लस 4 टाइम्स रो वाटर, मतलब 4 इनटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब. यू के 17.5 अपॉन 5 मतलब 3.5 इनटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब. ये आपका डेंसिटी है. उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी आई? 3.5 इनटू 10 टू पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब. यही आपका आंसर है.